हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा जूके 2.0 में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए थे। आज हम 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं और डिस्कस करेंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये विज्ञान के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो शायद कोई ही इसका जवाब जानता हो, ठीक है। तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और ये जो 10 क्वेश्चन हैं इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, और इन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न विभिन्न प्रकार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए टमाटर का लाल रंग किसके कारण आता है। आपको यही बताना है कि टमाटर का जो लाल रंग है वो किस रसायन के कारण आता है। पहला ऑप्शन दिया गया है सोलेन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लाइकोपीन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कैरोटीन और चौथा ऑप्शन कह रहा है केसिन। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए फ्रेंड, टाइम अप होता हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का ऑप्शन सही है बी, टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण आता है। लाइकोपीन वर्णक के कारण आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मूली का तीखापन किसके कारण आता है। हमें यही बताना है कि मूली का जो तीखापन है वो किसके कारण आता है। पहला ऑप्शन है सोलेन के कारण, दूसरा ऑप्शन है लाइकोपीन के कारण, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीन के कारण और चौथा ऑप्शन दिया गया आइसोसाइनेट के कारण। तो इसमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। टाइमर आपके सामने चल रहा है, टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए। चलिए टाइम अप होता हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, मूली का जो तीखापन है वो किसके कारण आता है। आइसोसाइनेट रसायन के कारण आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा आलू का हरा रंग किसके कारण आता है। आलू का जो हरा रंग आ जाता है कभी कभी वो किसके कारण आता है। पहला ऑप्शन दिया गया सोलेन के कारण, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लाइकोपीन के कारण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कैरोटीन के कारण और चौथा ऑप्शन कह रहा है आइसोसाइनेट के कारण। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए टाइमर स्टार्ट है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए फ्रेंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, आलू का जो हरा रंग है वो किसके कारण आता है। सोलेन के कारण आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है फ्रेंड दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण आता है। जो दूध का सफ़ेद रंग है वो किसके कारण आता है। पहला ऑप्शन दिया गया सोलेन, दूसरा ऑप्शन दिया गया केसिन, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीन और चौथा ऑप्शन दिया गया आइसोसाइनेट। आपको बताना है कि जो दूध का सफ़ेद रंग है वो किस रसायन के कारण आता है। सोलेन, केसिन या कैरोटीन या आइसोसाइनेट के कारण। टाइमर स्टार्ट। जल्दी से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है।
चलिए टाइम अप होता हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, दूध का जो सफ़ेद रंग है वो किसके कारण आता है? केसिन प्रोटीन के कारण आता है। अब फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हल्दी का पीला रंग किसके कारण आता है? हल्दी में ऐसा कौन सा रसायन है जिसके कारण पीला रंग आता है? पहला ऑप्शन दिया गया सोलेन, दूसरा ऑप्शन दिया गया केसिन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कैरोटीन, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? कुरकुमिन। ठीक है, तीन चारों ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करके बताना है हल्दी का पीला रंग किस रसायन के कारण आता है। जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट करिए, टाइमर स्टार्ट। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सोलेन है, दूसरा ऑप्शन केसिन है, तीसरा ऑप्शन कैरोटीन है, और चौथा ऑप्शन दिया गया कुरकुमिन। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, हल्दी का जो पीला रंग है वो किस रसायन के कारण आता है? कुरकुमिन रसायन के कारण आता है। चलिए फ्रेंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है तिलहनों के तेल में जो पीला रंग है वो किस रसायन के कारण आता है? जो तिलहन के तेल होते हैं उसमें जो पीला रंग है वो किस रसायन के कारण आता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कैराटिनाइज्ड, बी वाला ऑप्शन कह रहा है केसिन, सी वाला ऑप्शन कह रहा है कैरोटीन, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कुरकुमिन। इसमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। टाइमर स्टार्ट होने वाला है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? टाइम अप होने वाला है। चलिए टाइम अप होता हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का अगर ऑप्शन देखा जाए फ्रेंड कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, तिलहनों के तेल में पीला का जो रंग है वो किसके कारण आता है? कैरोटीनाइड के कारण आता है। अब चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बादाम में कड़वाहट किसके कारण आता है? हमें बताना है कि जो बादाम में कड़वाहट है वो किसके कारण आता है। पहला है एमाइलेडिन के कारण, दूसरा ऑप्शन कह रहा है केसिन के कारण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कैरोटीन के कारण, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कुरकुमिन के कारण। इसे हमें बताना है कि बादाम में जो कड़वाहट है वो किस रसायन के कारण आता है। पहला रसायन है एमाइलेडिन, दूसरा रसायन है केसिन, तीसरा रसायन है कैरोटीन, और चौथा ऑप्शन क्या है? कुरकुमिन। टाइमर स्टार्ट होने वाला, आप ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से बताइए फ्रेंड कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए टाइम अप होता हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए, बादाम में जो कड़वाहट आता है वो किस रसायन के कारण आता है? एमाइलेडिन रसायन के कारण आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रेंड गाजर का नारंगी रंग किसके कारण आता है? हमें बताना है गाजर का जो नारंगी रंग है उसका कलर है वो किस रसायन के कारण आता है। पहला ऑप्शन है एमाइलेडिन के कारण, दूसरा ऑप्शन है केसिन के कारण, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीन के कारण, और चौथा ऑप्शन क्या है? कुरकुमिन के कारण। तो आपको हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए फ्रेंड, टाइम अप होता हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, गाजर का जो नारंगी रंग है वो किस रसायन के कारण आता है? कैरोटीन के कारण आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सेब का लाल रंग किसके कारण आता है? सेब के अंदर ऐसा कौन सा रसायन है जिसके कारण उसका रंग लाल रंग आता है या लाल रंग का हो जाता है? पहला ऑप्शन है एंथोसाइनिन के कारण, दूसरा ऑप्शन है केसिन के कारण, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीन के कारण और चौथा ऑप्शन दिया गया कुरकुमिन के कारण। चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए टाइम अप होता हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का अगर ऑप्शन देखा जाए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, सेब का जो लाल रंग है वो किस रसायन के कारण आता है? एंथोसाइनिन के कारण आता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्याज में लाल रंग किसके कारण आता है? प्याज का जो लाल रंग है वो किस रसायन के कारण आता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है एंथोसाइनिन, दूसरा ऑप्शन है केसिन, तीसरा ऑप्शन है एंथोसाइनिन और चौथा ऑप्शन क्या है? कुरकुमिन। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कुरकुमिन या एंथोसाइनिन या केसिन। ठीक, टाइमर स्टार्ट है, आप जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। जल्दी से आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन देखा जाए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, प्याज में जो लाल रंग है वो किस रसायन के कारण आता है? एंथोसाइनिन रसायन के कारण आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, से क्वाइज यहीं पे समाप्त होता हुआ। अब हम आपको मिलेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तब और भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्वाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।